हेलो फ्रेंड्स, होम फूड्स बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अचारी आलू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा आलू ले लिया है उबाल के, जिसे मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने मिक्स अचार का मसाला ले लिया है। तो चलिए हम अपने अचारी आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई में एक छोटी चम्मच तेल गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरे को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग, एक चुटकी हींग। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें हमारा अचार का टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ी सी हल्दी, इसे भी मिक्स करके हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने अचार का मसाला। आप इसमें कोई भी अचार का मसाला यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अचार पसंद हो। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे मसाले में भी नमक है अचार के। पहले हम थोड़ा ही डालेंगे, फिर हमें कम लगा तो हम टेस्ट करके और ऐड कर लेंगे। ये आलू खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन का दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बस थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हमारे अचारी आलू बनके तैयार हैं। हमारे अचारी आलू बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी झटपट बन गई हमारी सब्ज़ी। यही प्रोसेस आप सेम प्रोसेस आप कच्चे आलू के साथ कीजिए, लेकिन उसमें आप अचार का मसाला, आलू पूरे अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद ऐड कीजिएगा, नहीं तो उसमें अचार का टेस्ट नहीं आएगा। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल होम फूड्स बाय चंचल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।